दोस्तों, अपने पशु का जब भी फैट और SNF कम होता है तो ये तरीका अपनाएं, अपने पशु का फैट और SNF दोनों भी बढ़ जाएगा और साथ में पशुपालक को दूध का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पशुपालन की ऐसी समस्या के बारे में चर्चा करेंगे जो आज के काल में हर एक दूध देने वाले पशु में दिखाई देती है। एक ऐसी समस्या जिस पर पशुपालक को अपने दूध का दाम मिलता है, वो समस्या है पशु के दूध को फैट और SNF नहीं लगना। इस समस्या से देश का हर एक पशुपालक परेशान है। फैट और SNF बढ़ाने के लिए बाज़ार में हर रोज़ नई कंपनी आती है और हमारे पशुपालक से हजारों रुपए लूटकर चली जाती है, फिर भी इस समस्या का हल नहीं निकलता। तो चलो, आज की इस वीडियो में हम इसी समस्या पर विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी चैनल की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, फैट और SNF नहीं लगना यह समस्या पशु में तब बढ़ी जब पशुओं को हमने एक जगह पर बांधकर चारा पानी शुरू किया। ये समस्या पशु के चयापचय से संबंधित है, क्योंकि जब पशु एक जगह पर बांधकर रखते हैं तो पशुओं को अलग अलग प्रकार का चारा नहीं मिलता। पशुओं को दो या तीन प्रकार का ही चारा मिलता है। इससे पशु में चयापचय में वृद्धि आती है और साथ में हम पशुओं को दाना ज़्यादा देते हैं तो पशु को एसिडोसिस होता है, और जब एसिडोसिस होता है तो पशु का आने वाला दूध कम फैट वाला और कम SNF वाला आता है। दोस्तों, पशु के दूध का फैट और SNF न लगने का दूसरा कारण है पशु के माँ के दूध को फैट और SNF नहीं लगना, यानी कि पशु के नस्ल पर भी फैट और SNF आधारभूत रहता है। इसलिए जब भी गाय भैंस बाज़ार से खरीदे तब ये बात याद रखना कि गाय भैंस के माँ का दूध का क्वालिटी कैसा है। इन कारणों से हमें पशु में फैट और SNF नहीं लगना ये समस्या दिखाई देती है। दोस्तों, अपने पशु का जब भी फैट और SNF कम होता है तो ये तरीका अपनाएं, अपने पशु का फैट और SNF दोनों भी बढ़ जाएगा और साथ में पशुपालक को दूध का मुनाफा भी बढ़ जाएगा। ये नुस्खा अपनाने से पहले दिन आप पेट के कीड़े मारने की दवा यानी कि डिवर्मिंग अच्छे वाले गोली से करवाएं, जिससे पेट के सब कीड़े मर जाए और हमारा नुस्खा अच्छी तरह से काम करे। जब भी हमें पशु का फैट और SNF बढ़ाना हो तो ज़रूरी है पशु को संतुलित आहार देना। संतुलित आहार कैसे देना है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, साथ में 1 किलो बिनोला खल यानी कि कॉटन सीड, 100 ग्राम मेथी, 100 ml सरसों का तेल और 50 ग्राम नमक, यह साथ मिक्सचर करके आधे घंटे के लिए 3 लीटर पानी में पकाना है और पकने के बाद 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर डालकर पशु को खिलाना है। दोस्तों, ये नुस्खा हम फैट और SNF बढ़ाने के लिए दे रहे, इसलिए याद रखें जो हमारे संतुलित पशु आहार है इसके अलावा हमें पशु को ये आहार देना है। इससे अगले 3-4 दिन में पशु का फैट और SNF बढ़ जाएगा और पशुपालक की आमदनी भी बढ़ जाएगी। ये तरीका सुबह शाम इस्तेमाल करें और अपने पशु का फैट और SNF बढ़ाएं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।